राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव से काफी अलग है, क्योंकि इस सदन के लिए मतदान सीधे जनता नहीं करती, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, यानी आपके द्वारा चुने हुए नेता ही मतदान करते हैं। अब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और इसके नतीजों के लिए एक फॉर्मूला भी तय किया गया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पूरी प्रक्रिया क्या है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सूबे के सीएम अशोक गहलोत वोटिंग के लिए विधानसभा के अंदर आते हैं। कमरे के अंदर निर्वाचन अधिकारी हैं और बाकी पार्टियों के अधिकृत एजेंट मौजूद हैं। कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत को एक पेन दिया जाता है। ये पेन बेहद ही खास है। बता दें कि इस पेन की लिखावट काली नीली नहीं बैंगनी रंग की होती है और इसकी स्याही कर्नाटक के मैसूर में तैयार होती है। सीएम गहलोत ये पेन और पर्चा लेकर सबसे अलग कोने में जाते हैं, एकांत में जाते हैं जहां उन्हें कोई नहीं देख सकता। वो बैलेट पेपर पर अपनी पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद लिखते हैं। बाहर निकलते ही वो पेन अधिकारी को सौंप देते हैं। बता दें कि पेन का इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए अपनी पर्ची गोविंद सिंह डोटासरा को दिखाते हैं। ये प्रक्रिया इसलिए लागू की गई ताकि क्रॉस वोटिंग और भ्रष्टाचार न हो सके, इसलिए इस प्रक्रिया को अनुमति दी गई। अगर उम्मीदवार अधिकृत एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपना पर्चा दिखाता है तो वो फिर वोट खारिज माना जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा को पर्ची दिखाने के बाद वो अपना पेपर मतदान पेटी में डालते हैं। इस पूरे सिस्टम को ओपन बैलेट सिस्टम कहा जाता है। ओपन बैलेट सिस्टम का नियम निर्दलीय पर लागू नहीं होता, यानी कि वो किसी को पर्ची नहीं दिखाएंगे। बता दें कि राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनने के लिए उम्मीदवार को 41 प्राथमिक वोटों की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।